जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसमें पहला है, व्हाट्स रिलेशनशिप बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड एक्मास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट और एक्मास्क्रिप्ट एक ही चीज है, ये एक नाम है जावास्क्रिप्ट का, जैसे कि लाइव स्क्रिप्ट ये भी लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। और चूंकि अभी फिलहाल ये वर्जन है जो ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आप ये देख रहे होंगे तो हो सकता है कोई और वर्जन सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट आर जावास्क्रिप्ट टाइप्स? जावास्क्रिप्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे। नंबर है, स्ट्रिंग, बुलियन है, फंक्शन है, फंक्शन भी डेटा टाइप है, एक ऑब्जेक्ट है, नल है, अनडिफाइंड है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड। ध्यान दीजिएगा, आपने प्रोसीजरल लैंग्वेज, मॉड्यूलर लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये सब सुना होगा, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हर चीज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है। हाउ डू यू कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट बेसिस इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में अगर आपको बेसिस में चेंज करना है, बेस मतलब जैसे हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है आपका, ऐसे डेसिमल है, तो उसके लिए पास इन फंक्शन यूज करेंगे। इसमें इसमें आप जो पहला पैरामीटर लेंगे वो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा, और जो बेस उसको सेकंड पैरामीटर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 3f, इसको 3f को आप डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, तो जो बेस होगा 3f का वो 16 है, तो इसलिए 3f 16, तो ये आपके कन्वर्ट होगा डेसिमल। हाउ डज और व्हाट दिस नैन फंक्शन डू? नैन क्या करता है? नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, इसका फुल फॉर्म ये है। तो नॉट अ नंबर का मतलब ये है कि जब ये नैन आएगा, अगर फंक्शन में की बात करें इसमें, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, सही, यदि आर्गुमेंट नंबर नहीं है तो। नेगेटिव इंफिनिटी क्या होती है? अगर किसी नेगेटिव नंबर को जीरो से डिफाइन कर दें तो नेगेटिव इंफिनिटी आएगी जावास्क्रिप्ट में। ये नंबर है जावास्क्रिप्ट में जो आता है जब आप डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर को जीरो से। व्हाट बुलियन ऑपरेटर्स डज जावास्क्रिप्ट सपोर्ट? ये है एंड और नॉट, ये सब बुलियन ऑपरेटर है आपके पास। व्हाट डू 1 + 2 + 4 इवैल्यूएट टू? देखिए, 1 इसमें स्ट्रिंग है, ऐसे एक दूसरा भी क्वेश्चन भी है जिसमें 2 और 5 पहले है, 8 बाद में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिंग है तो बाकी कैसे जुड़ेंगे, और यहाँ पर ये नंबर्स है 2 और 5, और ये कैसे जुड़ेगा? तो 1 एक स्ट्रिंग है तो सारी स्ट्रिंग बन जाएगी, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा, तो 1 to 4। इसी तरीके से 2 + 5 + 8 में क्या होगा? 2 + 5 तो बनेगा 7, क्योंकि ये तो नंबर है, और फिर प्लस यानी 7 + 8, अब इसको स्ट्रिंग के साथ कैसे जोड़ेंगे, इसको भी स्ट्रिंग बनना पड़ेगा, तो 7 + 8, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन है, तो 78 जो आंसर आएगा वो स्ट्रिंग मिल जाए। व्हाट लूपिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लूपिंग स्ट्रक्चर है? इसमें आपके फॉर है, वाइल है, डू वाइल लूप है, फॉर इज नहीं है इसमें। हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? बहुत आसान है, इसमें वैर लिखिए वेरिएबल के लिए, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, या फिर आप सीधा वैर ओबीजे इक्वल टू ऐसा ब्रेसेस करके कर सकते हैं। हाउ डू यू असाइन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज? उसके लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट एज आपको देनी है तो 17, ऑब्जेक्ट डॉट कर भी कर सकते हैं आप, ओबीजे डॉट एज में 17 डाल सकते हैं, दोनों तरीके। व्हाट्स अ वे टू अपेंड अ वैल्यू टू एन एरे? एरे में वैल्यू कैसे डालेंगे? ARR, यहां पर एरे लेंथ और इज इक्वल टू वैल्यू, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है, व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस कीवर्ड क्या होता है? जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है दिस उसको पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। हाउ डू आई लेट पीपल डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम माय पेज? तो उसके लिए क्या करिए, एक बार आपने सर्वर पे अपलोड कर दिया तो आपको एक एंकर रेफरेंस टैग चाहिए, बस उसको लिंक कर दीजिए उससे, और उसका अगर आप लिंक या फिर उसकी सिंटैक्स देखना चाहते हैं तो आप ये ए आपका टैग है, इसके अंदर HRF में आप फाइल्स food.zip जो भी आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड जो भी जिस पे क्लिक करके डाउनलोड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। एम्प्टी HTML टैग क्या होता है? एम्प्टी HTML टैग्स ये वो टैग होते हैं जिसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है। ये एम्प्टी HTML टैग बहुत जरूरी है क्योंकि जावास्क्रिप्ट और HTML बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसे समझिए कि जैसे मैं ये BR लिखता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना पड़ता है, मतलब ये BR का क्लोजिंग टैग कुछ नहीं होता है, ये अपने आप यहाँ लगा देंगे तो क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ऐसे IMG है, ऐसे HR है जो हॉरिजॉन्टल रो होती है। ओके, एग्जांपल हो गया। तो जाते जाते एक थोड़ा सा और मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब कंप्लीट तो हमने कवर किया नहीं, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में एक और भी होना जानना चाहिए। जावास्क्रिप्ट HTML डिजाइनर को एक प्रोग्रामिंग टूल के तहत काम करना सिखाती है, यानी कि HTML में तो कोई प्रोग्रामिंग है नहीं, HTML में अगर प्रोग्रामिंग करनी है या प्रोग्राम के थ्रू डायनेमिसिटी देनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। HTML ऑथर्स दे आर नॉट जनरली प्रोग्रामर्स नहीं होते, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, काफी सिंपल सिंटेक्स होते हैं, तो कोई भी छोटे छोटे स्निपेट लेके जो छोटे छोटे कोड होंगे उसको लेके HTML पेज पे काम कर सकता है। जावास्क्रिप्ट इवेंट पर रिएक्ट करते हैं,
तो जावास्क्रिप्ट तब काम करेगा जब कुछ कुछ चीज होगी, जैसे पेलोड होगा, यूजर कुछ क्लिक करेगा एचटीएमएल एलिमेंट पे। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल एलिमेंट को रीड भी करता है, उस पर राइट भी करता है। जैसे रीड करेगा तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से रीड कर दीजिए, डॉट इनर टैग से उस पर डॉट डेटा लिख दीजिए। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट डेटा। जावास्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अब वो पूरा पूरा फॉर्म जा रहा है किस पे, आपके सर्वर पे। अब सर्वर पे फॉर्म जा रहा है और वहां वैलिडेशन हो रहा है, तो कुछ वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट भी कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द विजिटर्स, विजिटर ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर यूजर कर रहा है, आईई कर रहा है, सफारी कर रहा है, ओपेरा कर रहा है, क्रोम कर रहा है, सिलीनियम कर रहा है, कौन सा कर रहा है। तो जो भी विजिटर ब्राउजर कर रहा है उस हिसाब से ये चेक करता है, और अगर बाय चांस कोई स्पेसिफिकली उस ब्राउजर के लिए लिखा गया पेज तो उसे अपलोड कर देता है, मतलब उसे चले देता है। आप क्रिएट कर सकते हैं कुकीज, तो स्टोर कर सकता है, रिट्रीव, जो भी विजिटर कंप्यूटर विजिटर आ रहा है उसके इन्फॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट के तहत, ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत चंद हमने क्वेश्चन देखे, अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा, बल्कि और एडवांस क्वेश्चन हम जोड़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।